वाह क्या बात है, दमदार, शानदार, ओ माय गॉड, तुरंत कट कर दिया ये तो। हा, क्या बात है, ये तो एकदम पेट की तरह क्लीन कर रहा है। लगभग 20 से 25 फीट की दूरी तक ये जा रहा है। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे पास कॉमर्शियल हाई प्रेशर वॉशर। ये है स्टार क्यू का QT 3000 SPW, जो कि एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर आप पहली बार इसकी अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट करते हैं। गाइस ये रहा इसका मेन बॉक्स, देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट में काफ़ी सारे चीज़ें मेंशन की गई हैं। वन बाय वन मैं आपको फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ऑटो स्टॉप, नॉन स्टॉप, ड्यूअल मोड्स दिया गया है इसमें। ये कॉमर्शियल ग्रेड का इसमें ड्यूअल सेट वाटर सील्स लगा हुआ है। सेरेमिक कोटेड प्लंजर पंप है इसमें दोस्तों, और इंडस्ट्रियल क्रैंकशाफ्ट का ब्रास पंप दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे ये आप हैवी ड्यूटी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लो नॉइज मोटर पंप कपलर दिया गया है और 24 आवर्स नॉन स्टॉप वर्किंग गारंटीड। तो इसको हम ज़रूर टेस्ट करके देखेंगे दोस्तों, क्या ये 24 आवर्स या फिर मैक्सिमम ये कितने कार्स को वॉश करता है एक दिन में, वो सारे टेस्टिंग करके हम इस चैनल पर देखने वाले हैं। गाइस जल्दी से फटाफट अब बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके साथ क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एक ये क्लीनिंग नोज़ल के लिए पिन, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं साइड में, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सक्शन हॉस पाइप मिल जाती है लगभग 2 मीटर के करीब, जिसमें हमें ये 2 क्लिप मिल जाते हैं टाइट करने के लिए। तो इसको भी करता हूँ मैं साइड में। और दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हैं ये है रबर हॉस पाइप लगभग 10 मीटर के करीब, दोनों साइड M22 थ्रेड दिया गया है। तो इसकी भी क्वालिटी हम चेक करेंगे, चलिए। और गाइस देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हैवी ड्यूटी गन मिल जाती है हमें, और उसके साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए ये अडाप्टर भी मिल जाता है क्विक कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए अब निकालते हैं मशीन को, काफ़ी हैवी है ये, इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तो अभी बॉक्स में दोस्तों ये यहाँ पर हमें मिल जाता है एक सेक्शन के लिए फ़िल्टर, ठीक है, और एक एक्सटेंशन रॉड। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट है बॉक्स के अंदर ये एक ये कैप है जो कि लगेगा मशीन में, हमारे ऑयल कैप है, ठीक है। तो अभी बॉक्स हो गया है खाली, यहाँ पर है हमारी मशीन। तो चलिए इसको अनरैप करके देखते हैं। सो गाइस ये रहा QPT स्टार क्यू ब्रांड का QT 3000 SPW हाई प्रेशर वॉशर। 3 kW की मोटर है इसमें दोस्तों, और सिंगल फेज में आता है। इसका जो RPM लिखा हुआ है यहाँ पर 2850 RPM है। 12 लीटर का फ्लो रेट है दोस्तों, 220 बार मैक्स प्रेशर का है वो देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये रीसेट का बटन दिया गया है, यहाँ पर पावर ऑप्शन का बटन है ऑटो और मैनुअल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाता है टिप नोज़ल, दो देख सकते हैं, एक 0 डिग्री का, एक 25 डिग्री का। और दोस्तों बात करूँ पंप हेड के बारे में, तो ये रहा इसका यूनिक डिज़ाइन, बहुत ही शानदार लग रहा है। आगे का ब्रास चैम्बर दिया गया है यहाँ पर। ये है इसका दोस्तों प्रेशर गेज, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए मिल जाता है प्रेशर कंट्रोल नॉब। यहाँ पर हॉस पाइप लगेगी, ये सक्शन पाइप के लिए दिया गया है। ये है मीटर इसका ऑयल इंडिकेटर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है इसमें ऑयल कहाँ तक फिल है। कई कई बार क्या होता है कि प्रेशर वॉशर में ऑयल दिखता ही नहीं, ऐसे जगह वो माउंट रहता है, ठीक है। और ऊपर के साइड यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन है, ऐसे ये कैप ऊपर की तरफ हो जाता है और यहाँ से ऑयल फिल कर सकते हैं। इस कैप को अभी हटाकर मैं रेड वाला कैप लगाऊंगा, ठीक है। ये सिपिंग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ये ड्रेन के लिए दिया गया है ऑयल का नट। यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हैं मेंटेनेंस ऑयल चेंज करने के लिए यहाँ पर स्टिकर लगाया गया है। ऑयल ग्रेड जो है वो 15-40W का रहेगा सिंथेटिक ऑयल, और फर्स्ट टाइम जब आप 10 डेज में यूज़ करेंगे या फिर 50 वर्किंग आवर्स उसके बाद इसे चेंज करना है। उसके बाद आपको वीकली इसको चेक करते रहना है, अगर इसमें पानी मिक्स होता है तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेंज ऑयल एवरी 200 वर्किंग आवर्स और 3 मंथ्स विच एवर कम फर्स्ट, ठीक है। तो ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
और दोस्तों बात करूँ ऊपर के साइड में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हैंडल काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है। ये रहा दोस्तों इसका पावर केबल, यहाँ पर 2 पिन वाला प्लग है, ठीक है। और इसका जो केबल है लगभग 2.5 से 3 मीटर के करीब है। तो इसकी डिज़ाइन मेरे को बहुत ही शानदार लग रही है दोस्तों, काफ़ी कॉम्पैक्ट और यूनिक डिज़ाइन है। अब इसको जल्दी से असेंबल करके देखते हैं इसका प्रेशर कैसा आता है। चलिए गाइस प्रेशर को टेस्ट करके पहले इस कार्टून को देखते हैं कट करके, ठीक है। शानदार, ओह माय गॉड, तुरंत कट कर दिया ये तो, इतना तगड़ा प्रेशर है। दूसरे साइड काट के देखते हैं। आइए दोस्तों अब इसको कार पर टेस्ट करते हैं। कार काफ़ी ज़्यादा गंदी है, मैंने फील्ड में क्योंकि मैंने कल ही वॉश किया था तो इसको थोड़ा सा दोबारा गंदा किया क्योंकि प्रेशर टेस्ट करना था। तो चलिए अब कार पर इसको टेस्ट करते हैं। शानदार, ये यहाँ पर मड काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है तो देखिए कितना झटके में ये क्लीन कर रहा है टायर को। जितना भी हैवी मड था इस पर वो तुरंत नीचे की तरफ गिर गया। ये देखिए गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कम बजट में कार वॉशिंग बिजनेस स्टार्ट करना तो ये प्रेशर वॉशर आपके लिए एकदम बढ़िया रहेगा क्योंकि देख सकते हैं इसका प्रेशर बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए कितना बढ़िया ये क्लीन कर रहा है कार को, प्रेशर इसका अमेजिंग है दोस्तों, एकदम मज़ा आ गया इसको यूज़ करते हुए। ये देखिए सब बढ़िया क्लीन कर रहा है, कुछ ही सेकंड में कार एकदम नीट एंड क्लीन। तो अगर आपकी क्लीनिंग सर्विस है, सोलर पैनल क्लीन करना चाहते हैं या घर के इस्तेमाल के लिए भी आप इसे यूज़ कर। तो इस प्रेशर वॉशर के हॉर्स पाइप का लेंथ इतना बड़ा है कि ये देखिए ये हॉर्स पाइप देखिए ये पूरा राउंड होके, और मैं कार के दूसरे छोर पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पर भी गन नहीं है, इसके पीछे छोर पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जाकर इसका गन है और यहाँ पर देख सकते हैं आप हल्का फुल्का फोल्ड भी है तो ये और आगे जा सकता है। तो प्रेशर वॉशर हमारा यहाँ पर है और गन यहाँ पर है, पूरा राउंड होके यहाँ तक आ गया है। तो हॉर्स पाइप का लेंथ बहुत ही सफिशियंट है कार को वॉश करने के लिए, आसानी से वॉश कर सकते हैं। प्रेशर वॉशर में यहाँ पर देख सकते हैं 2 फंक्शन है, ऑटो का और मैनुअल का, ठीक है। तो ऑटो पे अगर आप पुश करते हैं बटन को तो ये जब गन आप दबाया तो ये मशीन स्टार्ट हुई, उसके बाद ये गन आपने छोड़ा तो ये मशीन बंद हो जाती है। वहीं अगर आप मैनुअल पे इसको सेट कर देते हैं तो मशीन देखिएगा ये ऑलवेज ऑन रहेगी, ठीक है। ऑटो कट फंक्शन नहीं काम करेगा ये रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है मशीन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और ड्यूरेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है इससे, ठीक है। इससे ऑटो कट जल्दी आपका ख़राब नहीं होगा। तो दोनों फंक्शन आपको मैंने दिखा दिए, यहाँ पर उसको सेंटर में करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब प्रेशर गेज में देखते हैं प्रेशर गेज क्या शो कर रहा है। तो ये गन को मैं ट्रिगर को दबाता हूँ और लगभग ये 200 बार के करीब जा रहा है। प्रेशर देखिए कितना तगड़ा है, बढ़िया। गाइस अब प्रेशर कंट्रोल नॉब को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फुल प्रेशर है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा लो करता हूँ, ये देखिए प्रेशर इसका कम हो गया, ठीक है। अब इसको हाई करते हैं, ये हाई पर हो गया, ठीक है। देखिए प्रेशर तो दोस्तों गाड़ी प्री वॉश हो चुकी है, चलिए अब फोम वॉश करके देखते हैं कैसा आता है फोम इस पर। तो दोस्तों फोम वॉश करने के लिए मैंने नया शैम्पू मंगाया है अमेज़ॉन से, उसको भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता बिकने वाला शैम्पू है, कार शैम्पू अभी लग रहा है हाल ही में लॉन्च हुआ है तो मैंने तुरंत इसे परचेस कर लिया। और दोस्तों ये है मून एंड माउंट करके कोई कंपनी,
इसको पहले मैं अनरैप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका कैन। तो ये 450 रुपीज़ का पड़ा है मेरे को 5 लीटर कैन। तो इतने में मेरे को नहीं लगता कि और कोई शैम्पू सेल करता होगा, तो काफ़ी सस्ता होने की वजह से मैंने इसे परचेस कर लिया है। तो यहाँ पर एक मुझे मून एंड माउंट की तरफ से ये कार्ड मिला है, इसको करता हूँ मैं साइड में पहले। तो ये देख सकते हैं इसका बॉक्स, यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया यूज़ करने का, ठीक है। ये मेरे को पड़ा है, इसका MRP यहाँ पे दिया गया है 1899, बट ये 450 रुपीज़ में अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी शानदार है, इसका ये जो बॉक्स है वो भी देख सकते हैं, मून एंड माउंट। तो चलिए जल्दी से आपको यूज़ करते हैं। ये न्यूट्रल है दोस्तों, इसका pH जो है वो न्यूट्रल है, इको फ्रेंडली वॉश लिखा गया है यहाँ पर, मेंशन है देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको पहले ट्राई करते हैं वेवेक्स में, ठीक है। तो दोस्तों इसका डब्बा जो है ना, कैन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो ये डैमेज होने का कोई सवाल ही नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसमें हम 150 ml के करीब लेते हैं शैम्पू, देखते हैं इसकी थिकनेस। ये देखिए कितना ज़्यादा ये थिक है, देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें लगभग 150 के करीब हम ml लेंगे, ये जल्दी गिर भी नहीं रहा है। ये देखिए ये हो गया शायद हमारा 150 ml, देख सकते हैं। इसमें डालते हैं हम पानी, ये 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारा शैम्पू का। अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं, चलिए दोस्तों फोम वॉश करके देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। ज़बरदस्त, क्या फोमिंग है दोस्तों, शानदार, वाह, इस प्राइस रेंज में इतना बढ़िया शैम्पू, वाह। ये देखिए दोस्तों पूरा शैम्पू जो है वो बॉडी से एकदम चिपक चुका है, देखिए कितना गाढ़ा शैम्पू हुआ है, अमेजिंग। तो दोस्तों फोमिंग देखा कितना ज़बरदस्त इसका आ रहा था, और ये देखिए शैम्पू कितना जल्दी नीचे की तरफ अब जा रहा है, क्योंकि प्रेशर इसका देख ही सकते हैं, फ्लो बहुत ही शानदार है इसका। दोस्तों वाकई में इसका मेरे को यूज़ करके ना प्रेशर वॉशर का बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि जब प्रेशर अच्छा रहता है ना तो प्रेशर वॉशर को यूज़ करने में भी एक अलग ही मज़ा आता है, तो वैसा ही फील हुआ कुछ। तो इसका जो नॉइज़ है वो काफ़ी साइलेंट है दोस्तों, और इसमें इंडक्शन मोटर लगी हुई है प्लंजर पंप के साथ, तो इसका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ड्यूरेबिलिटी जो कहते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस तो आपने देखा है इसका, बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको इसे परचेस करना है तो आप स्टारक्यू के वेबसाइट से इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रेशर वॉशर का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था, मेरे को यूज़ करते हुए इसको काफ़ी मज़ा आया। बात करूं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में, तो प्राइस इसकी 18,500 है। स्टारक्यू के वेबसाइट से आप इसे परचेस कर सकते हैं www.starq.in, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी ये प्रेशर वॉशर लेना है अपने बिजनेस के लिए या घर के लिए वो इसे खरीद सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।